2015 में उन्होंने नोटिस निकाल दिया था कि आगे से 1 अगस्त से काउंट होगी, लेकिन हम ऐसा इन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं, हम भी ऐसे ही रह रहे हैं कि हम रोज नहीं आ सकते यहाँ से, तो इसीलिए हम यहाँ गुरुद्वारे में रहकर ही यहाँ पर रोज आते हैं, सुबह आते हैं, कोई हमें ना तो क्लियर इंटीमेशन दे रहा ना कोई कुछ भी बता रहा है। हरियाणा के भिवानी से ये लड़की जो है वो 25 दिन से एसएससी सीजीएल के प्रदर्शन में शामिल होने हरियाणा से आ रही हैं, और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि माता पिता अक्सर कहते हैं कि इतनी दूर आप प्रदर्शन में जा रहे हैं, क्या ऐसी खास बात है? ये तो हम जानते ही हैं कि एज रेकनिंग का मामला है, 3 मई को आखिरी डेट है और आज 1 मई है, ऐसे में टाइम पर बदलाव नहीं हुआ तो आपके हाथों से वो मौका निकल जाएगा, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर, कोई इंस्पिरेशन आपकी होगी आने की? मेरा तो ये आखिरी अटेम्प्ट है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, 25 दिनों से लगातार यहाँ पर भी आ रहे हैं हम लोग एसएससी हेडक्वार्टर, आखिरी अटेम्प्ट है आपका। तो ऐसे कई छात्र, आपको बता दें जो लास्ट अटेम्प्ट जो है उनका मारा जाएगा, ऐसा छात्र कह रहे हैं, करीब लाखों छात्र बता रहे हैं जिनका अटेम्प्ट जो है वो मिस हो सकता है अगर ये बदलाव नहीं किए गए तो। आखिरी अटेम्प्ट वालों के लिए नहीं, 27+ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, क्योंकि मोस्टली जो इसकी वो क्या नाम है पोस्ट प्रेफरेंस है वो सब 27 के अंडर ही आ जाती हैं, तो इसके थ्रू हम 27+ वाले स्टूडेंट भी और 30 वाले स्टूडेंट भी सब इस सारी से बाहर हो रहे हैं, और एसएससी हमारी ना तो सुन रही है ना ही हमें कुछ बता रही है, ये हमें सिर्फ ग्रीवेंसेज में भी इन्होंने हमें रूल के अकॉर्डिंग बोला कि 1988 के रूल के अकॉर्डिंग हमने ये एक्सेप्ट किया है, लेकिन 1988 के रूल के अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर 3 पे क्लियरली लिखा है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है और या फिर हम कोई चीज डेट वगैरह चेंज कर दे तो हम पहले आपको नोटिस देंगे, लेकिन हमें ऐसा कोई भी प्रायर नोटिस नहीं दिया, इसी बात का दुख है और टाइम से नहीं बताया आपको। 16 में भी ऐसा हुआ था जब बच्चों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था तो उनको एज को 1 जनवरी से काउंट किया गया था, लेकिन 2017 वाले बच्चों के लिए नवंबर में उन्होंने नोटिस निकाल दिया था कि आगे से एज 1 अगस्त से काउंट होगी, लेकिन हमें ऐसा इन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं दिया। कैसे आती हैं आप हरियाणा से, रोज आती हैं या आप यहाँ पे, जैसे कई छात्रों ने बताया कि वो करीब 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और गुरुद्वारों में शरण ले रहे हैं, गुरुद्वारों में वो रह रहे हैं, आप भी? हाँ हम भी ऐसे ही रह रहे हैं कि हम रोज नहीं आ सकते यहाँ से, तो इसीलिए हम यहाँ गुरुद्वारे में रहकर ही यहाँ पर रोज आते हैं, सुबह आते हैं, ये लोग हमें कभी DOPT भेज देते हैं कभी यहाँ पे भेज देते हैं, कोई हमें ना तो क्लियर इंटीमेशन दे रहा ना कोई कुछ भी बता रहा है। मैं चाहती हूँ एक बार आप शॉर्ट में ये भी बता दीजिए कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम किस लिए कराया जाता है, आम समझ के लिए? एसएससी सीजीएल का एग्जाम अलग अलग पोस्ट के लिए होता है, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, AA हो गया, टैक्स असिस्टेंट हो गया, MEMA हो गया, अलग अलग पोस्ट के लिए करवाया जाता है, आफ्टर ग्रेजुएशन सारी पोस्ट अवेलेबल होती है। और क्या बताएं जी? बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज तक से जुड़ने के लिए, आप अपनी राय जो है वो कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं, और अलग अलग मुद्दे हमने आपको दिखाए न्यूज तक पर, शिक्षा से जुड़े, रोजगार से जुड़े, आप हमेशा हमारे साथ बने रहे हैं, इस बार भी आप अपनी राय कमेंट्स में लिखें, हमें ऐसे ही मुद्दों के बारे में बताते रहें ताकि छात्रों के मन की बात हम आज आप तक पहुंचाते रहें। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ निधि तनेजा, न्यूज तक।